नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हुए उस लेक्चर को, क्योंकि हमने वेलोसिटी डायग्राम बनाना सीख लिया है, अब हम एक्सीलरेशन डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता है। हमने आसान तरीके से आपको कराया है, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने वेलोसिटी डायग्राम बनाना कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही सिखा दिया है, जो क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन का पार्ट वन आप देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर फिर से देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट टू में आप देखेंगे। वेलोसिटी डायग्राम भी हमने करा दिया है, आई सेंटर मेथड भी हमने डिटेल में करा दिया है। तो सारे टॉपिक्स को आप एक एक करके देखेंगे तो सारी सीरीज जुड़ती जाएगी, इसलिए हमने पार्ट वन पार्ट टू नाम भी दे दिया, जिससे आपको क्लियरिटी हो कि पार्ट वन के बाद पार्ट टू हमें देखना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों में इसको शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फिर आप सब लोग लाइक तो बनता ही है, ढेर सारा लाइक करें और लोगों में शेयर करते रहे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं। क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन में वेलोसिटी डायग्राम बनाना हमने सीखा था, सिर्फ दो लाइन आपको करनी थी, सिर्फ दो लाइन, खैर उसको पढ़ लेते क्या दो लाइन। ठीक है, तो क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज के एक्सीलरेशन डायग्राम को बनाने के लिए यूज किया जाता है। वो भी कब, जब आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक कांस्टेंट भी हो और गिवन भी हो, कांस्टेंट हो और दिया भी हो। ये अब एंगुलर वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो हो और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक दिया हो, तब आप क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन द्वारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि वेलोसिटी डायग्राम एक्चुअल डायग्राम से ओमेगा टाइम्स छोटा होता है और 90 डिग्री रोटेटेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम सब लोग ड्रॉ करना क्या था, कोई भी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज था, पहला स्टेप आपका क्या था, पहला स्टेप था कि आप क्रैंक पिन से, जो आपका ये क्रैंक पिन है, इससे लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचे, और दूसरा क्या था, कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाएं, कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाएं, तब आपका मिलता था पी पॉइंट। तो ओ ए पी आपका वेलोसिटी डायग्राम है, जो कि एक्चुअल डायग्राम इससे 90 डिग्री होता, एक्चुअल डायग्राम से 90 डिग्री घुमा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए वो वर्टिकल है, और ए बी इंटू ओमेगा की जगह ए बी है, तो ओमेगा टाइम्स क्या है, छोटा है। अब ध्यान दीजिए, तो स्टेप्स को पढ़िएगा, ड्रॉ द कॉन्फिग्रेशन डायग्राम ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज। कॉन्फिग्रेशन डायग्राम में आपको ये लेंथ ऑफ क्रैंक, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड दिया होगा, तो आप इस कॉन्फिग्रेशन डायग्राम को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कभी आपका आईडीसी भी हो सकता है, वो भी कॉन्फिग्रेशन ही है एक पल के लिए, सारी बातें एक इंस्टेंट के लिए ही निकाली जाती है, बात समझ में आ रही। ऐसे आपका क्रैंक कनेक्टिंग, क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के भी परपेंडिकुलर हो सकता है, जो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में कराया। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, तो सबसे पहला स्टेप ही है ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। बिना कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के वेलोसिटी डायग्राम नहीं बन सकता। तो ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, पहला स्टेप ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो दिया गया है उसको आप बनाएं। इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन, लाइन एक खींचें थ्रू ओ, ओ से खींचें, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे, लाइन ऑफ स्ट्रोक आपका हॉरिजॉन्टल है तो उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन खींचे। और अगला स्टेप क्या है, एक्सटेंड मतलब बढ़ाइए आप, ठीक है, एक्सटेंड द कनेक्टिंग रॉड लेंथ, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई को बढ़ाइए टू मीट दिस परपेंडिकुलर लाइन एट पी। यही पर कनेक्टिंग रॉड ये है, इसको आप बढ़ाइए कहां तक, ऐसा बढ़ाइए कि ये P
पी पर कट करे, इस परपेंडिकुलर लाइन को कहां कट करे, पी पर कट करे, ठीक है। द ट्रायंगल ओ ए पी या ओ पी ए जो भी आप कहें, ओ ए पी, द ट्रायंगल ओ पी ए रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ट्रायंगल ओपीए जो है वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के वेलोसिटी डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है विद स्केल। स्केल क्या है, स्केल है 1:ω, मतलब एक्चुअल वाला ओमेगा टाइम्स बड़ा होगा। अगर इसकी लंबाई 10 आई तो 10 गुणे ओमेगा करके एक्चुअल वाला होगा, ठीक है। तो स्केल 1:ω, हमने ओमेगा टाइम्स रिड्यूस स्केल में बनाया है, तो जब एक्चुअल बताना होगा ओमेगा टाइम्स गुणा कर देंगे। द ट्रायंगल ओ पी ए रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। एससीएम का मतलब क्या है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म विद स्केल 1:ω एंड रोटेटेड एट 90 डिग्री। आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इज मैक्सिमम, द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इज मैक्सिमम व्हेन द क्रैंक इज परपेंडिकुलर, क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द कनेक्टिंग रॉड, ना कि लाइन ऑफ स्ट्रोक। जब क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के परपेंडिकुलर होता है उस समय स्लाइडर की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। हमने अभी प्रूव भी कराया है पिछले लेक्चर में कि आर ओमेगा से भी ज्यादा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इज मैक्सिमम When crank is perpendicular to the connecting rod, crank is perpendicular to the connecting rod, ध्यान रखिएगा बहुत ही important है, इस समय velocity of slider r omega से भी ज्यादा होता है, आपको हमने प्रूफ भी कराया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो ध्यान रखिएगा स्लाइडर की वेलोसिटी तब मैक्सिमम होती है जब क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ना कि जब क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर हो। तो वेलोसिटी डायग्राम को हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही बनाना सीख लिए हैं, हमें आसानी से सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब हम सब लोग एक्सीलरेशन एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सब लोग ध्यान से करेंगे। कोई भी एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, कोई भी एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आपके पास है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इस क्षण ऐसा है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, किसी एक इंस्टेंट आपको दिया जाएगा, ये ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये क्या है, बी है, और ये सी है। अब इस क्षण अगर हमें वेलोसिटी डायग्राम बनाना है तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक आप एक्चुअल में वेलोसिटी डायग्राम बनाए और एक क्लेंस कंस्ट्रक्शन से, क्लेंस कंस्ट्रक्शन से आप बनाए। तो क्लेंस कंस्ट्रक्शन ने आपको सिंपल दो बातें ही बताई थी वेलोसिटी डायग्राम के लिए, एक्सीलरेशन डायग्राम बनाने से पहले वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वेलोसिटी डायग्राम बनाने से पहले स्केलेटन या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या था, पहला क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाइए, कनेक्टिंग रॉड को क्या बढ़ाइए, आगे। तो यहां पर पॉइंट कौन मिलेगा, पी पॉइंट। अब ध्यान रखिएगा ओ ए पी ट्रायंगल जो ओ ए पी है यही आपका क्या है, वेलोसिटी डायग्राम है, यही आपका वेलोसिटी डायग्राम है जिसकी हम डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं, जिसमें अगर हमसे पूछा है स्लाइडर की वेलोसिटी बताइए तो स्लाइडर की वेलोसिटी एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल होगी, पर 90 डिग्री ये रोटेटेड है इसलिए क्या होगा, वर्टिकल। तो स्लाइडर की वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो आप कहोगे ओपी इंटू ओमेगा, ओपी इंटू ओमेगा। तो ध्यान रखिए क्लेंस कंस्ट्रक्शन से जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में वेलोसिटी डायग्राम बनता है वो ओमेगा टाइम्स छोटा होता है और एक्चुअल डायग्राम से 90 डिग्री रोटेटेड होता है। अब हमें एक्सीलरेशन डायग्राम बनाना है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्सीलरेशन डायग्राम को हम लोग ध्यान से बनाएंगे, ठीक है, ये आप सब लोग समझदारी, ये पिछला ही लेक्चर में हमने करा दिया था तो इसलिए उसको हम मिटा दिए। आइए अब हमें एक्सीलरेशन डायग्राम अगर बनाना है तो दो ही स्टेप इसमें भी है, सिर्फ दो स्टेप। पहला स्टेप
एको सेंटर मानते हुए, किसको सेंटर मानते हुए, एको सेंटर मानते हुए, एको सेंटर मानते हुए एपी रेडियस का। अब गोला प्रकार सेंटर पर रखते हैं नोक, तो सेंटर ए पर रखेंगे और एपी रेडियस, एपी रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, ए पर गोला प्रकार रखेंगे, एपी ऐसे भर लेंगे, ऐसे एपी रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। पहला स्टेप यही है, ए को केंद्र मानते हुए एपी रेडियस का। अब बिना वेलोसिटी डायग्राम के एक्सेलरेशन डायग्राम नहीं बनेगा, तो ये आप एक सर्कल बनाएंगे। दूसरा स्टेप बहुत क्लियर रहिएगा, कनेक्टिंग रॉड मतलब एबी को डायमीटर मानते हुए। अब बताइए एबी को डायमीटर मानने का मतलब है कि सेंटर कहीं यहां बीच में होगा, तो एबी को, अब जैसे बीच में सेंटर होगा तो वो सर्किल ए से भी जाएगा और वो सर्किल बी से भी जाएगा, तो एबी को डायमीटर मानते हुए एबी, एबी सर्किल का एक मतलब एबी डायमीटर का एक सर्किल बनाइए। तो दो स्टेप हमने बताया, ए को केंद्र मानते हुए एपी, ए को केंद्र मानते हुए एपी रेडियस का एक सर्किल बनाइए, और दूसरा एबी को डायमीटर मानते हुए, तो एबी को डायमीटर मानते हुए तो यहां बीच में गोला प्रकार की नोक, एसी भी जाएगा और बीसी भी जाएगा, ये दो सर्किल बनाइए। अब ये दोनों जहां कट कर रहे हैं, ये दोनों जहां पर कट कर रहे हैं उसी को हम कहेंगे कॉमन कॉर्ड, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ जीवा, ये कॉमन कॉर्ड है, ये क्या है आपका कॉमन कॉर्ड, यहां इस और इस पॉइंट से होकर जाने वाला। अब कॉमन कॉर्ड जहां पर इसको, जिस जहां पर कनेक्टिंग रॉड को कट करेगा वही क्या है एम, जहां पर कनेक्टिंग रॉड को कट करेगा वही क्या है एम, और जहां पर लाइन ऑफ स्ट्रोक को कट करेगा वही क्या है एन, लाइन ऑफ स्ट्रोक को जहां कट करेगा वही क्या है एन। ओ ए, ओ ए एम एन, ओ ए एम एन आपका क्या है एक्सीलरेशन डायग्राम, एक्सीलरेशन डायग्राम है। तो ओ ए एम एन आपका क्या है एक्सीलरेशन डायग्राम है। तो क्या स्टेप करना है आपको, ए को केंद्र मानते हुए एपी रेडियस का एक सर्किल बनाइए और एबी को डायमीटर मानते हुए, एबी को क्या डायमीटर मानते हुए आप फिर एक सर्किल बनाइए। दोनों जहां कट करेंगे वही कॉमन कॉर्ड होगा, कॉमन कॉर्ड जहां कनेक्टिंग रॉड को कट करेगा वो एम है, और कॉमन कॉर्ड जहां लाइन ऑफ स्ट्रोक को कट करेगा वही क्या है एन है। तो ओ ए एम एन आपका क्या है एक्सीलरेशन डायग्राम। अब इसको और भी ध्यान से, क्योंकि बनाना तो आप सीख लिए होंगे, दो ही स्टेप करना था बन गया होगा। अब सारी चीजें समझदारी से करेंगे, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है जीरो, क्योंकि ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, क्लाइंस कंस्ट्रक्शन से आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम को उसी स्केल्टन या कॉन्फिग्रेशन डायग्राम में बना सकते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के, बस वर्ते क्या होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक कांस्टेंट होना चाहिए और दिया होना चाहिए। ये है अल्फा आपका जीरो है। अब अगर हम आपसे पूछे कि ओ के सापेक्ष ए का एक्सीलरेशन बताओ, ओ के सापेक्ष ए का एक्सीलरेशन बताओ, तो ए में दो तरीके का एक्सीलरेशन होगा। कोई भी अगर आपसे पूछे सर एक लिंक पर ओ यहां है और ए यहां है, तो ओ के सापेक्ष ये ऐसे घूम रहा है, ए का एक्सीलरेशन तो सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल या फिर नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये तो आपका होगा आर ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह क्या लिखोगे ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। पिछले आप एक्सीलरेशन एनालिसिस का चैप्टर जरूर देखें, इसको सबको हम पूरा क्लियर में करा चुके हैं कौन सा कब एक्सीलरेशन आता है और कैसे होता है, तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। तो एक्सीलरेशन एनालिसिस ये हो गया नॉर्मल एक्सीलरेशन, और जो सेंटर की ओर होगा जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, तो
तो सेंटर की ओर होगा आर एम, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ ए होगा वो होगा आर अल्फा, और यहां पर चूंकि अल्फा क्या है जीरो, तो ये क्या होगा जीरो। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपका एक्सीलरेशन डायग्राम है, और एक्सीलरेशन डायग्राम में ए का जो एक्सीलरेशन होता सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा। क्यों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा? क्योंकि अल्फा क्रैंक का जीरो है। टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, और वो होगा ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओ के सापेक्ष ए का एक्सीलरेशन जो कुछ भी होगा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा, और कितना होगा? ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। बस, लेकिन हमने कहा कि हम इसको ओ ए से दिखाएंगे। ये जो डायग्राम बना इसमें ये क्या है? OA। तो ये लंबाई OA से, जो चीज आपको दिखाना चाहिए था OA इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको आपने किससे दिखाया? सिर्फ OA से। OA इंटू ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए ना, A के, O के सापेक्ष, A का सेंट्रीपिटल, और संयोग से टोटल भी होगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है। तो O के सापेक्ष A का एक्सीलरेशन OA इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्चुअल में होगा, लेकिन क्लाइंस ने जो बनाया वो OA ही बनाया, मतलब क्लाइंस का जो डायग्राम है ये ओमेगा स्क्वायर टाइम्स छोटा है। क्लाइंस का आपका एक्सीलरेशन डायग्राम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स छोटा होता है। बात समझ में आ रही है ना? जो चीज आप ओमेगा स्क्वायर से गुणा करके एक्चुअल में करते वो सिर्फ आप ओमेगा ओए ही दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ओमेगा स्क्वायर टाइम्स छोटा है। तो ध्यान रखिएगा, क्लाइंस कंस्ट्रक्शन में वेलोसिटी डायग्राम आपका एक्चुअल डायग्राम से ओमेगा टाइम्स छोटा होता है, जबकि एक्सीलरेशन डायग्राम एक्चुअल डायग्राम से ओमेगा स्क्वायर टाइम्स छोटा होता है। एक्सीलरेशन डायग्राम एक्चुअल डायग्राम से ओमेगा स्क्वायर टाइम्स छोटा होता है। और एक बात और बता दें कि एक्सीलरेशन डायग्राम, अब जैसे ये क्या है, ये सेंटर की ओर होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? सेंटर की ओर होगा, उसका वेक्टर इधर की तरफ होगा, और आप दिखा किधर रहो? इधर की तरफ। आप OA से इधर दिखा रहे हो ना, एक्चुअल में वो सेंटर की ओर इधर होगा। A का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, और आप ऊपर दिखा रहे हो। इसका मतलब ये क्या है कि एक्सीलरेशन डायग्राम 180 डिग्री रोटेटेड होता है। वेलोसिटी डायग्राम एक्चुअल डायग्राम से 90 डिग्री रोटेटेड होता है, और एक्सीलरेशन डायग्राम एक्चुअल डायग्राम से ओमेगा स्क्वायर टाइम छोटा होगा और 180 डिग्री रोटेटेड होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब इसको हम पहले ओमेगा स्क्वायर टाइम जूम करेंगे, बड़ा करेंगे। जैसे ये अगर 5 है तो उसमें ओमेगा स्क्वायर से गुणा करके बड़ा सा बनाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर टाइम ये छोटा है, जूम करो और 180 घुमाओ तब आपको एक्चुअल मिलेगा। पहले आप ओमेगा स्क्वायर टाइम्स इसको बड़ा करें, फिर इसको आप 180 घुमाएं तो एक्चुअल डायग्राम आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम एक एक करके सारी चीजों को इसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा और आसान तरीके से कर लेते हैं, थोड़ी एक बार रिवीजन टाइप का हो जाएगा। चलो भाई, तो ये आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, कोई एक समय का ये कॉन्फिग्रेशन दिया हुआ है। अब जब कॉन्फिग्रेशन दिया हुआ है तो आपने बना भी लिया ओ ए बी और यहां पर सी। आपने कहा नहीं, हम वेलोसिटी डायग्राम इसी में बनाएंगे, तो आप कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाएं, और दूसरा स्टेप था आपको कि लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर तो कौन मिलेगा? पी। तो आपका वेलोसिटी डायग्राम बन गया, आपका वेलोसिटी डायग्राम आसानी से बन गया। अब ध्यान रखिएगा, अब हम एक्सीलरेशन डायग्राम बनाए। तो एक्सीलरेशन डायग्राम क्या कहता है? एक्सीलरेशन डायग्राम का पहला स्टेप कहता है कि ए को केंद्र मानते हुए, किसको केंद्र मानते हुए? ए को केंद्र मानते हुए एपी रेडियस का, किसका? एपी रेडियस का एक सर्किल बनाए, एपी रेडियस के, यहां गोला प्रकार की नोक, ऐसे ऐसे सर्किल बनाए, ठीक है? गोला प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे सर्किल बना देंगे,
कोई बात नहीं, आप सब लोग आसान तरीके से बनाइएगा हमारी तरह नहीं, ठीक है, हमारा हाथ थोड़ा कब जाता है। आइए इसके बाद क्या हुआ कि एक पहला ए को केंद्र मानते हुए एपी रेडियस का एक सर्किल, दूसरा था ए बी को डायमीटर मानते हुए, ए बी को डायमीटर मानोगे तो सर्किल इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल बना दो और ए बी को डायमीटर मानोगे तो सेंटर यहां बीचों बीच में होगा। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप हमारा ये था कि हम कॉमन कॉर्ड मिलाएंगे, ये दोनों जहां कट करेंगे ये क्या हुआ कॉमन कॉर्ड, तो अब आपको ये यहां जहां कट किया ये M है और ये यहां जो कट किया ये क्या है N है, तो O A M N, O A M N जो आपका O A M N जो है यही आपका एक्सेलरेशन डायग्राम है, बसरते ये क्या है ओमेगा स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस्ड है और 180 डिग्री रोटेटेड है, किससे 180 डिग्री रोटेटेड, किससे एक्चुअल डायग्राम से। अगर एक्चुअल आप एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते तो वो इससे ओमेगा स्क्वायर टाइम्स बड़ा होता और 180 डिग्री घुमा हुआ होता, ये ध्यान रखिएगा ये है। अब आपसे पूछे कि ओ के सापेक्ष, दो तीन बातें एक साथ क्लियर कट बताते जा रहे हैं, पहला स्टेप आपसे पूछा है एक एक चीज, एफ से हम एफ मतलब एक्सीलरेशन समझिएगा, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए का ओ के सापेक्ष नॉर्मल एक्सीलरेशन, तो आप कहोगे सर ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर जो कि इस लाइन के अलोंग होगा, ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता भी था, ये डायग्राम बनाते ना तब भी आपको पता था। ऐसे अगर कोई पूछे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो आप ओ ए इंटू अल्फा लिखते, ओ ए इंटू क्या लिखते अल्फा, लेकिन अल्फा जीरो है तो ये जीरो हो जाता, तो अगर यही टोटल पूछा जाए कि भैया आपका बताइए ए का टोटल एक्सीलरेशन, तो टेंजेंशियल है ही नहीं, सेंट्रीपिटल ही टोटल एक्सीलरेशन हो। अब एक बात और, इसमें ए के सापेक्ष बी का, ए के सापेक्ष बी का, अब ध्यान से देखिएगा, ए के सापेक्ष बी का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बी का क्या देखिए, एक ए यहां है बी यहां है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ए यहां है बी यहां है, अब तो ए के सापेक्ष बी का सेंट्रीपिटल इसके अलोंग ही तो होगा, तो इसमें कौन सी लाइन उसके अलोंग है, इसमें कौन सी लाइन उसके अलोंग है बताइए, ध्यान से बताइए, ए के सापेक्ष पहले क्या होगा सेंट्रीपिटल या फिर नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसका बी का, किसके सापेक्ष ए के सापेक्ष, तो आप क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे एम ही तो बताएगा, यही एक्सीलरेशन डायग्राम, एम ही तो इसके अलोंग है, एम ही तो इसके अलोंग है, तो आप कहोगे सर एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्यों ओमेगा स्क्वायर, क्यों ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना ये ओमेगा टाइम्स छोटा है, तो जो आप बताएंगे वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर देंगे, और ध्यान रखिए कॉमन कॉर्ड सेंटर को मिलाने वाली लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कॉमन कॉर्ड ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर लाइन हुआ, तो कॉमन कॉर्ड जो होता है ये क्या होगा परपेंडिकुलर। अब बताइए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपसे पूछा गया, आपने आसानी से बता दिया किसका सेंट्रीपिटल बी का ए के सापेक्ष, तो बी का ए के सापेक्ष सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा ए एम, सॉरी ए बी नहीं ए एम, क्योंकि इस डायग्राम में ए एम एक्सीलरेशन डायग्राम आपका जो है वो यही है ओ ए एम एन, तो ए एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए एम इंटू ओमेगा। ऐसे कोई अगर पूछे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का ए के सापेक्ष टेंजेंशियल, तो सर टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर होगा,
टेंजेंशियल इसके परपेंडिकुलर, और कौन सी लाइन इसके परपेंडिकुलर इस एक्सीलरेशन डायग्राम में, तो एक्सीलरेशन डायग्राम में कौन परपेंडिकुलर है, MN, तो क्या होगा ये MN इनटू इनटू ओमेगा स्क्वायर क्यू, क्योंकि जो डायग्राम बनाए हैं हम, जो होना चाहिए था AB इनटू ओमेगा स्क्वायर, उसको हम AB ही दिखाए हैं, तो एक्चुअल वैल्यू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिए इसमें चारों लाइंस अलग अलग चीजों को बताती हैं। O के सापेक्ष A का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया OA इनटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे A के सापेक्ष B का सेंट्रीपिटल हो गया AM इनटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे अगर A के सापेक्ष B का टेंजेंशियल पूछा जाए तो टेंजेंशियल होगा MN, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर यही लाइन है, MN इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहे हैं, ये लाइन सेंट्रीपिटल को बताता है किसका, A के सापेक्ष B का, ये लाइन आपका टेंजेंशियल को बताता है किसका, A के सापेक्ष B का। अब अगर हम टोटल एक्सीलरेशन पूछें तो आप क्या करेंगे, टोटल एक्सीलरेशन के लिए आप सिंपल तरीके से क्या करने वाले हैं, भाई हमें सेंट्रीपिटल मालूम है, टेंजेंशियल मालूम है, सेंट्रीपिटल मालूम और टेंजेंशियल, तो टोटल एक्सीलरेशन किसका, टोटल एक्सीलरेशन B का A के सापेक्ष, B का A के सापेक्ष टोटल एक्सीलरेशन कितना होगा, तो टोटल एक्सीलरेशन आप कहोगे सर अंडर रूट क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर B का A के सापेक्ष, और प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसका, B का A के सापेक्ष का स्क्वायर। अरे भाई सेंट्रीपिटल आपको पता हो, नॉर्मल और टेंजेंशियल के स्क्वायर का योग का वर्गमूल, यही तो आप करेंगे। अब यहां से अगर पूछा जाए कि ये कितना है तो आप कहोगे सर अंडर रूट सेंट्रीपिटल है ए एम इंटू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, और टेंजेंशियल कितना है एम एन इंटू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, बाहर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखें इसको आप बहुत ध्यान से देखें। अब आपको ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर क्या आया, टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपका आया अंडर रूट ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, और बाहर आपका जो आया वो क्या आया ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए ये ए एम है, इसको जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर का अंडर रूट आपका ए एन ही तो आएगा। अरे भाई ये एक रेक्टेंगल है, यहां पे समकोण है, तो ए एम स्क्वायर और एम एन स्क्वायर का अंडर रूट ए एन ही तो आएगा, अंडर रूट लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए एन इंटू ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबको, तो अब हम सब लोग समझ गए, इसमें जो आपका ये एक्सीलरेशन डायग्राम है इसमें बहुत क्लियर कट समझिएगा, ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर ए का एक्सीलरेशन है, ए एम इंटू ओमेगा स्क्वायर बी का ए के सापेक्ष सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ए एन इंटू ओमेगा स्क्वायर बी का ए के सापेक्ष टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, एम एन इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम एन इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है वो बी का ए के सापेक्ष टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, और ऐसे पूछा है ए एन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए एन इंटू ओमेगा स्क्वायर ये आपका बी का ए के सापेक्ष टोटल एक्सीलरेशन है, बी का ए के सापेक्ष टोटल एक्सीलरेशन है। अब ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया ना, अगर आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बी का ए के सापेक्ष मिल जाए
तो यही तो r into alpha c होगा भाई, tangential acceleration r alpha होता है, तो किसका r, ab, ab ही तो connecting rod r होगा, ab into alpha c, तो जब आपको tangential component मिल जाए तो angular acceleration भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसका, connecting rod का, क्लियर हुआ ना। टोटल ए के सापेक्ष बी का टोटल एक्सीलरेशन होगा ए एन इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे अगर कोई आपसे पूछे कि सर बी का स्लाइडर का एक्सीलरेशन बताइए, तो ये स्लाइडर का एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल ही होगा, स्लाइडर का एक्सीलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है, कौन सी लाइन, तो ओ एन, कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है, ON, लेकिन ON सिर्फ नहीं, क्या होगा, ON इंटू ओमेगा स्क्वायर, ON इंटू ओमेगा स्क्वायर, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे स्लाइडर्स एक्सीलरेशन, स्लाइडर्स एक्सीलरेशन, तो स्लाइडर एक्सीलरेशन आपका होगा ON इंटू ओमेगा स्क्वायर, ON इंटू ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इसको, ओ एन इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आपका स्लाइडर का एक्सीलरेशन होगा ओ एन इंटू ओ एन वेलोसिटी एक्सीलरेशन डायग्राम में, लेकिन सारा चीज ओमेगा स्क्वायर, टाइम छोटा है तो ओमेगा स्क्वायर से गुणा करके आंसर देंगे। तो अब आपने स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का क्लाइंस कंस्ट्रक्शन से एक्सीलरेशन डायग्राम भी बनाना सीख लिया है। एक इंपॉर्टेंट केस हम आपको करा रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये अगर आप समझदारी से कर ले गए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्लाइंस कंस्ट्रक्शन द्वारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में ही आप एक्सीलरेशन और वेलोसिटी डायग्राम बनाइए। ये आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ये आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, इसमें ये आपका O है और ये आपका A है और ये क्या है, B है यहां का पिन और ये C है। अब आपसे कहा गया कि जब क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर है, जब क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर है उस समय का आप इसी डायग्राम में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम बनाइए। तो वेलोसिटी डायग्राम खैर आपने बनाना सीखा था, लेकिन अभी फिर कर लेते हैं। तो वेलोसिटी डायग्राम ने आपको क्या बताया था, क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के, किससे, क्रैंक पिन से लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन खींचे, संयोग से यही आएगा, और दूसरा कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाइए, जहां ये कट करेगा वही क्या होगा, पी होगा। अब यहां पर ए और पी क्या है, सेम पॉइंट है, तो ओ ए पी, अब देख ए पी जीरो होने का मतलब कि बी का ए के सापेक्ष वेलोसिटी जीरो है, बी का ए के सापेक्ष, क्योंकि एपी इंटू ओमेगा ही बताता था, आप पिछले लेक्चर को क्लियर कर ले। अब आइए एक्सीलरेशन डायग्राम, तो सर पहला स्टेप था ए को केंद्र मानते हुए, पहला स्टेप क्या था, ए को केंद्र मानते हुए एपी रेडियस का एक सर्किल बनाए, तो गोला प्रकार की नोक तो रखे पर उसमें रेडियस भरना ही नहीं है, क्योंकि ए और पी दोनों एक ही पॉइंट है, ए और पी अगर एक ही पॉइंट है तो कुछ गोला बनाना ही नहीं, यही पॉइंट सर्किल ही आपका क्या है, पॉइंट सर्किल ही सर्किल है, यहां पर आपका ये पॉइंट सर्किल हो गया, एक सर्किल बन गया, कितना, ए को केंद्र मानते हो एपी रेड, एपी जीरो है तो पॉइंट सर्किल बन गया। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि ए बी डायमीटर का, ए बी डायमीटर जैसे बोलते हैं हम, तुरंत आप समझ जाइए कि ए और बी दोनों से होकर जाएगा गोला प्रकार, यहां बीच में रखेंगे, तो गोला प्रकार ऐसे बीच में रख लिए और तुरंत आपने बना दिया, गोला प्रकार बीच में रखते ही आपने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। अब जहां पर इसका कॉमन कॉर्ड होगा, एक तो आपका पॉइंट सर्किल है, एक आपका सेंटर, कॉमन कॉर्ड बनाइए, तो ध्यान रखिए ये पॉइंट सर्किल है तो कॉमन कॉर्ड दो जगह कट ही नहीं कर रहा, तो मिलाएंगे क्या, लेकिन कॉमन कॉर्ड की एक और प्रॉपर्टी होती है, कॉमन कॉर्ड सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर होता है,
कॉमन कॉर्ड सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक सेंटर है या एक सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो कॉमन कॉर्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके ये सेंटर लाइन ही तो है, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर, तो कॉमन कॉर्ड सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर होता है और ऐसे परपेंडिकुलर बना दिए। अब जहां पर ये कनेक्टिंग रॉड को कट करेगा, तो यहीं पर तो कनेक्टिंग रॉड को कट कर रहा है, वो M है, और जहां लाइन अब स्ट्रोक को कट करेगा वो क्या है, N है। तो यहां पर O A M N, O A M N, यही आपका क्या है, एक्सीलरेशन डायग्राम। इस क्षण एक्सीलरेशन डायग्राम एक ट्रायंगल होगा। समझ में आई बात की नहीं, हमने कुछ नहीं, एपी रेडियस शून्य है तो पॉइंट सर्किल, एबी डायमीटर तो बीच में गोला प्रकार बना दिए, कॉमन कॉर्ड सेंटर लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर बनाए, इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये टच करके ही जाएगा, टेंजेंट लाइन होगी किसके, सर्किल के। तो ये हो गया। अब ये जहां कनेक्टिंग रॉड को कट करे वही M होता है, तो कनेक्टिंग रॉड को यही कट कर रहा है इसलिए यही M है और ये क्या है, N है। तो O A M N, यही आपका एक्सीलरेशन डायग्राम। आपको पूछे स्लाइडर का एक्सीलरेशन बताओ, तो स्लाइडर का इस समय एक्सीलरेशन क्या होगा, स्लाइडर्स एक्सीलरेशन। चलो स्लाइडर्स एक्सीलरेशन, तो स्लाइडर एक्सीलरेशन क्या होता था, ओ एन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओ एन इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब कोई पूछे कि बी का ए के सापेक्ष सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताओ, तो बी का ए के सापेक्ष सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि एम क्या है, जीरो है, ए एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ही तो सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सीलरेशन होता था, तो वो आपका जीरो। अगला, अगर कोई पूछे बी का ए के सापेक्ष टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ, बी का ए के सापेक्ष टेंजेंशियल, तो आप क्या करोगे, एम एन इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये होगा ए एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ए एम संयोग से जीरो है तो जीरो। ऐसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपसे कोई भी पूछे कि सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कौन होता था, एम एन इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे संयोग से एम एन जो है वो ए एन ही है, क्योंकि ए और एम जो दोनों क्या है, सेम पॉइंट, तो ए एन इंटू ओमेगा स्क्वायर भी इस क्षण लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, एक केस भी हमने आपको डिटेल में करा दिया। एक और केस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस, वो भी व्हेन क्रैंक इज इन लाइन विद कनेक्टिंग रॉड। तो क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के, ध्यान रखिए थोड़ा, कनेक्टिंग रॉड बड़ा ही होता है भैया, तो क्रैंक को छोटा बनाओ और कनेक्टिंग रॉड को बड़ा बनाओ। तो पहले कॉन्फिगरेशन डायग्राम बनाए, ओ ए बी सी ओमेगा से घूम रहा, ये कॉन्फिगरेशन डायग्राम हुआ। अब आपने क्या किया कि हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, वेलोसिटी डायग्राम। तो वेलोसिटी डायग्राम पहला यही कि लाइन आप स्ट्रोक के परपेंडिकुलर लाइन, और दूसरा यही कि आप कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाएं, और जब कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाएंगे जहां ये कट करेगा वही पी है, और संयोग से ओ और पी दोनों सेम है, ओपी सेम है, मतलब स्लाइडर की वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि ओपी इंटू ओमेगा ही स्लाइडर की वेलोसिटी बताता था। अब आगे बढ़ते हैं एक्सीलरेशन डायग्राम, इसको हमने वेलोसिटी एनालिसिस में डिटेल में करा भी दिया है क्लाइंस कंस्ट्रक्शन का, तो फर्स्ट पार्ट भी देखें तब सेकेंड पार्ट को भी देखें। तो अब इसके लिए एक्सीलरेशन डायग्राम के लिए भी दो ही स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि सर ए को केंद्र मानते हुए एपी रेडियस का गोला प्रकार की नोक यहां रखेंगे और ऐसे एपी भर लेंगे और एक सर्किल बना देंगे, क्या बना देंगे, एक सर्किल बना देंगे, कितनी बड़ी, एपी रेडियस का। तो गोला प्रकार ए पर कोई लोग ऐसे होकर गुजार देंगे, अरे यार गोला प्रकार की नोक ए पर रखना है तो क्या पेंसिल और गोला प्रकार की नोक एक ही जाएगी, नहीं ऐसे भरे हो या ऐसे दूर जाएगा,
दूसरा स्टेप क्या है कि एबी को डायमीटर मान दो, तो यहां बीच में गोला प्रकार, बीच में गोला प्रकार, तो ऐसे आपका दूसरा सर्किल बन गया। अब दूसरा सर्किल ये आपका कॉमन कॉर्ड हो गया, सर्कल साइज बनाएंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, तो ये आपका कॉमन कॉर्ड हो गया। कॉमन कॉर्ड जहां कनेक्टिंग रॉड को कट करता है वो क्या है, एम। जहां कनेक्टिंग रॉड को कट करता है वो क्या है, एम। और जहां पर लाइन अब स्ट्रोक को कट करता है वही क्या है, एन। यहां पे संयोग ऐसा है कि एम एन आपका एक ही पॉइंट है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड को भी यही कट कर रहा है कॉमन कॉर्ड और लाइन ऑफ स्ट्रोक को भी यही कट कर रहा है, तो एम एन एक ही पॉइंट है। एम एन एक ही पॉइंट होने का मतलब क्या है कि एम एन जीरो है, और एम एन क्या बताता था, बी का ए के सापेक्ष, किसका, बी का ए के सापेक्ष टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यहां पर इस क्षण बी का ए के सापेक्ष टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा, इस क्षण बी का ए के सापेक्ष टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर कोई पूछे इस समय कि स्लाइडर्स एक्सीलरेशन बताओ, स्लाइडर का एक्सीलरेशन बताओ, तो स्लाइडर का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो आप खुद बताइए सर, ए ओ एन इंटू ओ एन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओ से एन की दूरी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे अगर कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का ए के सापेक्ष नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स क्या, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब along the line, तो along the line बात करेंगे तो क्या होगा, am, क्या होगा, am into omega square, और सही होगा कि am an एक ही होगा। ऐसे कोई अगर पूछे कि tangential acceleration of b with respect to a, b का a के सापेक्ष, ये पूरी लिंक है ab, b का a के सापेक्ष टेंजेंशियल, तो आप टेंजेंशियल के लिए लिखोगे mn into omega square, और संयोग से ये क्या है, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा। अगर कोई इस समय टोटल एक्सीलरेशन ऑफ b पूछे, टोटल एक्सीलरेशन ऑफ b, तो टोटल यही सेंट्रीपिटल ही होगा, क्योंकि टेंजेंशियल क्या है इस समय, जीरो। और वही बात an into omega square, और an am इस क्षण बराबर है। बात समझ में आ गई सब लोग को? तो क्लाइंस कंस्ट्रक्शन से स्केल्टन डायग्राम में हमने वेलोसिटी डायग्राम को, स्लाइडर कैंग मैकेनिज्म के स्केल्टन डायग्राम में ही वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम को बनाया, बनाना सीखा। एक दो केसेस भी हमने किए, जो इंपॉर्टेंट केस थे उसको हमने सॉल्व किया, चीजों को समझा। तो अब थोड़ा सा और भी हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्या है स्टेप फोर, तो क्या, द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इज मैक्सिमम, द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इज मैक्सिमम व्हेन क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू द, क्या होगा, क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड, लाइन ऑफ स्ट्रोक नहीं, अगला एक्सीलरेशन एनालिसिस को हम लोग देखते हैं। एक्सीलरेशन एनालिसिस, एक्सीलरेशन एनालिसिस में क्या हुआ, विद ए एट सेंटर, ए क्या हो, सेंटर हो, एंड एपी एट रेडियस, ए सेंटर हो और एपी क्या हो, रेडियस हो, ए को सेंटर मानते हुए एपी रेडियस का एक हमने क्या बनाया, सर्किल बनाया। तो विद ए एट सेंटर एंड एपी एट रेडियस ड्रॉ अ सर्किल, पहला स्टेप हो गया कि हमने ए को सेंटर मानते हुए एपी रेडियस का एक सर्किल बनाया। ड्रॉ एनादर सर्किल, कोई दूसरा सर्किल बनाइए विद डायमीटर AQ, हमारे में AB था क्योंकि हमने B माना था, तो AQ यहां पे Q है, तो AQ का एक आप क्या करिए, अनदर सर्किल बनाइए, बस ये क्या होगा, इसका डायमीटर AQ हो, जब डायमीटर AQ होगा तो सेंटर यहां बीच में होगा, तो ड्रा अनदर सर्किल विद डायमीटर AQ। आगे MR रिप्रेजेंट द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल्स, यहां पे जो MR है, कोई भी यहां R मान लो, ये R, MR जो है ये कॉमन कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन कॉर्ड को, ये कॉमन कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल। एक्सटेंड द MR, उभयनि जीवा थी उसी को कॉमन कॉर्ड बोल, एक्सटेंड द MR, तो MR को हमने एक्सटेंड कर दिया कहां तक,
पीछे तक एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया, तो एक्सटेंड एम आर टू मेक द लाइन ऑफ स्ट्रोक एट एन, लाइन ऑफ स्ट्रोक को कट करने के लिए एन पर मिलाने के लिए हमने आगे बढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, एंड ऑल्सो एम आर इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू, ए क्यू होना चाहिए, लाइन ए क्यू, पी क्यू भी ठीक है क्योंकि पीछे से, तो लाइन पी क्यू जो है या ए क्यू जो लाइन है एम पर वो कट कर रहा है कॉमन कॉर्ड। कॉमन ऑल्सो एम आर इंटरसेक्ट, कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्ट द लाइन ए क्यू एट एम, द पॉलीगन ओ ए एम एन, पॉलीगन मतलब बहुभुज, यहां पर चतुर्भुज की बात होगी तो जो आपका क्वाड्र तो पॉलीगन इसलिए लिख दिया गया, और ट्राइंगल भी किसी किसी केस में बन जाता है जो अभी हमने करा है। तो पॉलीगन ओ ए एम एन रिप्रेजेंट द एक्सिलरेशन डायग्राम, एक्सिलेशन पॉलीगॉन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेंज विद स्केल 1:2, 1:2 क्या है ओमेगा स्क्वायर, जो एक्चुअल होगा वो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स बड़ा होगा। तो ध्यान दिए 1:2 ओमेगा स्क्वायर से आगे, जैसे इसी में अब इसमें आप रीडिंग करना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ ए अपान ओ ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर अपान ओपी, जैसे वेलोसिटी ऑफ क्यू स्लाइडर तो आप क्या लिखोगे ओपी इंटू ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर क्या लिखोगे ओपी इंटू ओमेगा, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू अपान ओपी, या वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, क्या होगा ये एपी इंटू ओमेगा अपान एपी, इन सबका रेशियो क्या आएगा ओमेगा, क्योंकि एक्चुअल डायग्राम से ओमेगा टाइम्स छोटा है। ऐसे इसमें एक्सिलेशन ऑफ ए अपान ओ ए, एक्सिलेशन ऑफ ए अपान ओ ए, क्योंकि एक्सिलेशन ऑफ ए होगा ओ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक्सिलेशन ऑफ ए अपान ओ ए, या एक्सिलेशन ऑफ क्यू अपान ओ एन, एक्सिलेशन ऑफ क्यू, क्यू का मतलब स्लाइडर अपान ओ एन, तो स्लाइडर का एक्सिलेशन आप हिसाब से क्या होगा स्लाइडर एक्सिलरेशन, स्लाइडर एक्सिलेशन होगा ओ एन इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम स्लाइडर का एक्सिलेशन अपान ओ एन लिखें तो आप क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर, वही लिखा हुआ है स्लाइडर ऑफ एक्सिलेशन ऑफ स्लाइडर अपान ओ एन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या फिर रेडियल, या फिर नॉर्मल, या फिर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल रेडियल या नॉर्मल एक्सिलेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए, क्यू के सापेक्ष, क्यू का ए के सापेक्ष, क्यू का ए के सापेक्ष रेडियल एक्सिलेशन अपान ए एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या टेंजेंशियल एक्सिलेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए, टेंजेंशियल एक्सिलेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा एम एन इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ टेंजेंशियल एक्सिलेशन ऑफ क्यू अपान विद रिस्पेक्ट टू ए अपान एन एम, या एम एन लिखो यार एम एन एन एन, तो ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो जो आपका एक्चुअल एक्सिलरेशन होगा वो इससे ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम, और उसको 90 घुमाएंगे तो आपको इससे वेलोसिटी डायग्राम मिल। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लेंस कंस्ट्रक्शन मेथड इज यूज टू ड्रॉ, क्लेंस कंस्ट्रक्शन मेथड इज यूज टू ड्रॉ, क्या ड्रॉ करने के लिए ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन, ग्राफिक कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अरे भाई स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को बनाना है तो हमें डायमेंशन दे दिया, हम खुद बना देंगे, तो नहीं नहीं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म नहीं, एक्सिलरेशन पॉलीगॉन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, या फिर फोर बार चेन, तो फोर बार चेन तो सोचना ही नहीं है, इन्वर्जन बनाने के लिए नहीं, तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाने के लिए क्लेंस का स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के वेलोसिटी और एक्सिलेशन डायग्राम को कॉन्फिगरेशन डायग्राम में ही बनाने के लिए किसकी जरूरत है क्लेंस कंस्ट्रक्शन। अगर वेलोसिटी डायग्राम एक्सिलेशन डायग्राम अलग अलग आए तो किसको करेंगे हम एक्सिलेशन डायग्राम को प्रिफर करेंगे, तो ध्यान रखिए एक्सिलरेशन पॉलीगॉन, एक्सिलरेशन पॉलीगॉन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म व्हेन When omega crank क्या हो omega crank constant भी हो और given भी हो, omega crank आपका क्या हो constant भी हो और दिया भी हो, तभी आप acceleration polygon बना पाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बहुत ढंग से एक एक स्टेप से क्लेंस कंस्ट्रक्शन के हर एक लाइन को बताया, इंपॉर्टेंट केसेस भी कराए जिसमें आप आसानी से सारी बातें
बता सकते हैं, क्लेम्स कंस्ट्रक्शन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत मेहनत से आपको सारी चीजें हमने डिटेल में कराई, तो आप सब लोग पूरा वीडियो देखें, बहुत शानदार वीडियो रहा है। पूरे वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, उसके बाद ढेर सारे लोगों में फैला दें। प्यार बांटना भी चाहिए ना, तो ढेर सारे लोगों में इसको आप शेयर करें, मैक्सिमम लोगों में शेयर करें जिससे नॉलेज पहुंच चुके और हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे हम और भी अच्छा आपके लिए लेक्चर लेकर आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।